डायरी यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। आज हम फिर आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हर कंपटीशन के टेस्ट में आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्या है, डैश बटन रिलोड द करंट डॉक्यूमेंट दैट द यूजर इज व्यूइंग। एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि मान लीजिए आपने इंटरनेट चला रखा है, मीन आपने कोई वेब ब्राउजर ओपन किया हुआ है और वेब ब्राउजर ओपन में कोई वेबसाइट खोली हुई है। अगर आपने वेबसाइट खोल रखी है, ठीक है, आप एक ऐसे बटन पे फ्रेश करते हैं जो वेबसाइट दोबारा से रीलोड हो जाता है, वो पेज जिसमें करंटली आप हो तो दोबारा से अगेन रीलोड हो जाता है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा। तो आंसर ऑप्शन बताते हैं आपको। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है बैक, दूसरा रिफ्रेश, और थर्ड दिया गया है स्टॉप, और नेक्स्ट दिया गया है एड्रेस बार। तो ये चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिस पे हम क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो रिफ्रेश हो जाता है, रीलोड हो जाता है। ठीक है, तो आंसर रहेगा हमारा रिफ्रेश। क्लियर, तो आंसर कौन सा रहने वाला है, रिफ्रेश। जैसे मैं इसमें एग्जांपल दिखाता हूं आपको। अब एग्जांपल में देखिए, जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो यहां देखिए ऊपर जहां मैं इस कर्सर को रोटेट कर रहा हूं, इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहां रीलोड द पेज, तो पेज जो भी ओपन है वो दोबारा से रीलोड हो जाता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए, डैश इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस दैट अलो द यूजर टू फीड इंफॉर्मेशन इनटू कंप्यूटर फॉर एनालिसिस स्टोरेज एंड टू गिव कमांड टू द कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जिसका यूज यूजर्स मतलब हम जो कंप्यूटर को यूज करते हैं कंप्यूटर को डाटा या इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ताकि कंप्यूटर उसको एनालिसिस कर सके, स्टोर कर सके और आगे उसको कंप्यूटर को कमांड देने के लिए हम किसका यूज करते हैं। तो क्या मेमोरी डिवाइस का यूज करते हैं, क्या हम आउटपुट डिवाइस का यूज करते हैं, क्या हम इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं, क्या हम नन ऑफ दीज। तो इसमें आंसर रहेगा आपका कौन सा, इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस दैट अलाउ द यूजर टू फीड इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर फॉर एनालिसिस स्टोरेज एंड टू गिव कमांड टू द कंप्यूटर। तो आंसर क्या रहेगा, इनपुट यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, डैश प्रोवाइड द हाइएस्ट क्वालिटी टेक्स्ट एंड इमेज फॉर पर्सनल कंप्यूटर। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा हाई क्वालिटी का टेक्स्ट और इमेज जो है प्रोवाइड करवाता है, ड्रम प्रिंटर, डेसीवील प्रिंटर, और आपका लेजर प्रिंटर, और आपका नन ऑफ द अबो। तो इसमें जो रहेगा लेजर प्रिंटर आंसर रहेगा, क्योंकि लेजर प्रिंटर जो है वो हाई क्वालिटी का टेक्स्ट और इमेज वगैरह हमें प्रोवाइड कर सकता है। क्लियर, तो लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर की अगर हम बात करें थोड़ा एक्सप्लेनेशन की, तो जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, लेजर प्रिंटर कुछ इस टेक्नोलॉजी से काम करता है। यहाँ लेजर लाइट होती है, वो लेजर लाइट पड़ती है ड्रम पे, यहाँ लिखता है ये, और जब आगे मूव करता है तो जो लिखा हुआ है लेजर लाइट से इस पे इंक पड़ती है और वो फिर पेज पे इंप्रेशन छोड़ती है। तो इस प्रकार का कोई प्रोसेस होता है लेजर प्रिंटर का, जिसमें लेजर टेक्नोलॉजी से प्रिंटिंग होती है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहलाती है प्राइमरी मेमोरी, क्या सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है, क्या वर्चुअल मेमोरी कहलाती है, क्या मेन मेमोरी कहलाती है, या रजिस्टर कहलाती है। तो द प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी, हम प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं। क्लियर, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेन मेमोरी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज फॉर सेंडिंग ईमेल इज कॉल्ड। ऐसे कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटोकॉल होते हैं डियर स्टूडेंट्स रूल एंड रेगुलेशंस, ठीक है, उनको प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो इंटरनेट पे ऐसे कौन से रूल रेगुलेशन या प्रोटोकॉल है जिसकी वजह से हम ईमेल सेंड करते हैं, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ऑप्शन हमारे पास एक क्या है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और दूसरा क्या है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है टेलनेट, और नेक्स्ट FTP। FTP फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP क्या होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP क्या होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और टेलनेट क्या होता है, टेलनेट एक्चुअली एक ऐसा सर्विस है इंटरनेट की जिसके ऊपर हम रिमोट लॉगिन, मतलब दूर पड़े कंप्यूटर को भी इंटरनेट के माध्यम से परमिशन लेके हम यूज कर सकते हैं, उसके रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं। तो इसमें आंसर रहेगा SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका यूज हम मेल सेंडिंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MIDI स्टैंड फॉर,
मेमोरी इंस्ट्रूमेंट डिवाइस इंटरफेस, मेमोरी सॉरी इंस्ट्रक्शन डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्शन डिवाइस इंटरफेस और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो इसका आंसर रहने वाला है म्यूजिकल, एम म्यूजिकल, आई इंस्ट्रूमेंट, डी डिजिटल, आई इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस एक्चुअली क्या होता है, मान लीजिए कोई म्यूजिक बजाने का डिवाइस है, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कंप्यूटर में स्टोर करके उसमें एडिटिंग करनी है, रिमिक्सिंग करनी है, तो MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस का यूज किया जाएगा। तो इसका आंसर रहेगा डी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। देखिए कैसे काम करता है ये MIDI। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई डिवाइस है, ये म्यूजिकल डिवाइस है, ओके, तो मिक्सर है, वो सारा जो भी इससे जनरेट होगा, वो इस जनरेट होगी, वो यहाँ MIDI इंटरफेस के पास चला जाएगा, वो उस फॉर्मेट में बदल देगा कि वो कंप्यूटर में स्टोर हो सके और फिर वो कंप्यूटर के पास डाटा सेव हो जाएगा, फिर उसमें रिमिक्सिंग की जा सकती है। तो मेन MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डिजिटल इंटरफेस में, उसके वॉइस को डिजिटल इंटरफेस में चेंज करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। डैश परफॉर्म ए पावर ऑन सेल्फ टेस्ट दैट चेक द हार्डवेयर डिवाइस आर प्रेजेंट एंड फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो निम्नलिखित में से पावर ऑन करने के बाद में कौन सा इनमें से, साउथ ब्रिज, नॉर्थ ब्रिज, नॉर्थ चिपसेट और BIOS, तो इनमें से कौन सा परफॉर्म करता है पावर ऑन होते ही सेल्फ टेस्ट स्टार्ट कर देता है कंप्यूटर में, चेक करता है कि हार्डवेयर डिवाइस और जितने भी फंक्शनैलिटी प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही, तो BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बोलते हैं, वो कंप्यूटर की पावर ऑन करते ही सारा कुछ चेक करता है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑल फंक्शनिंग आर प्रॉपरली वर्क कर रही है नहीं कर रही, ताकि कंप्यूटर को एक्टिव किया जा सके। तो आंसर रहेगा BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी अभी इसका एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं। BIOS कुछ ऐसा दिखता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आगे चलते हैं। LCD स्टैंड फॉर, एक आपका LCD क्या होता है आपको पता ही, हर घर में LCD लगा हुआ है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये तो सीधा सा था, तीसरी ऑप्शन अलग अलग बताने की क्या जरूरत है, सीधा सा इसका आंसर बनता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आंसर रहेगा बी, LIQUID क्रिस्टल डिस्प्ले। ऐसा एक डिवाइस होता है ये जो LCD होता है फ्लैट पैनल डिस्प्ले, इसके अंदर कुछ लिक्विड टाइप भरा होता है और उससे वो सारी वर्किंग करता है। तो उसका फिगर दिखाते हैं आपको। जैसा कि फिगर में दिख रहा है आपको, जो ये LCD होती है इसमें इतनी सारी लेयर्स बनी होती हैं, जिसके अंदर बैकलाइट हाउसिंग होता है और पैनलाइजर होता है, लिक्विड क्रिस्टल ये बीच में जो है इसमें लिक्विड क्रिस्टल भरा होता है, ठीक है, फिर आगे ग्लास होता है। तो इस प्रकार से इतनी रो होती है, सॉरी लेयर्स बनी होती हैं, बीच में लिक्विड भरा हुआ है इसमें, ये देखिए लिक्विड क्रिस्टल भरे पड़े हैं। तो ये आपका होता है LCD। नेक्स्ट, ए बस दैट कनेक्ट ऑल द थ्री कंपोनेंट्स। ऐसी बस कंप्यूटर में ऐसी वायर जो CPU इनपुट आउटपुट और मेमोरी को जोड़ती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पब्लिक बस, सिस्टम बस, प्राइवेट बस, नन ऑफ द अबो। तो इसका आंसर रहेगा सिस्टम बस। सिस्टम बस वो होती है कंप्यूटर के अंदर वायर होती है जो CPU मेमोरी और इनपुट आउटपुट को कनेक्ट करती है, क्लियर। तो जैसे देखिए फिगर में भी दिखाया गया है, इसमें CPU है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट है, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और आपका डाटा बस, तीन बस होती हैं, तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ मॉडम, इंटरनल मॉडम, एक्सटर्नल मॉडम, बोथ, नन ऑफ द अबो। तो आपको पता ही है दो प्रकार के मॉडम होते हैं, इंटरनल भी होता है और आपका एक्सटर्नल मॉडम भी होता है, क्लियर। तो आंसर रहेगा आपका बोथ। मॉडम जो होता है कुछ ऐसे वर्क करता है, मान लीजिए डिजिटल कंप्यूटर यहाँ है और एक यहाँ है, दोनों आपस में डाटा कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो डिजिटल डाटा को एनालॉग में चेंज करता है मॉडम, फिर एनालॉग डाटा मूव करता है, फिर एनालॉग को वापस डिजिटल में चेंज करता है, फिर मॉडम लगा होता है वो। तो मॉडम देखिए, हर कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़े हैं वो मॉडम से जुड़े होते हैं, वो एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल चेंज करते हैं। जब ये डिजिटल टू एनालॉग चेंज करता है तो मॉड्यूलेशन कहलाता है, और जब ये एनालॉग से डिजिटल में चेंज करता है तो डीमॉड्यूलेशन कहलाता है, क्लियर। तो ये आपका मॉडम था। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट। इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपने चैनल द कंप्यूटर डायरी को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।